ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम डिस्कवर पंजाब ते आओ हुण गत्तके दीआं होर वनगियां नूं डिस्कवर करदे आं। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे प्रोग्राम। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी जी तुहाडी जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि गत्तका असी वर्ड यूज़ करते हैं, गत्तके बारे तो असी सारे जानते हैं कि गत्तका एक शस्त्र विद्या है, पर गत्तके का असल मतलब की है वो बारे सानू नहीं पता, वो बारे दसो। ये जिहड़ा गत्तका लफज सी इह भाई कान सिंह जी नाभा जिहड़े ने उन्होंने महान कोश के गत्तके का बहुत वधिया डेफिनेशन दिती गई है। कुतका खुतका एक मालवे की बोली है, साढ़े पंजाब आम वरत्या जाता है। खुतका मीनस एक अनकड़ डंडा, कोई वो साइज़ का जोड़ा होंगे, किसी भी साइज़ का हो सकता है। वह खुतके तो जो लफज से वह गतका बनया, तो मार्शल आर्ट जी खेड है गुरु हरगोबिंद साहब ने इन्होंने प्रमोट किया, उतों यह गतका लफज जोड़ा है सोटी की लड़ाई गतका बन गया। अज मैनू भी चलो इस शब्द का अर्थ पता लग गया कि सी। तो सर दूजी गल मैं जी पूछना चाहूँगी कि गत्तके पहला असी नगर कीर्तना ही देखते दे सी, पर इसनों अज यूनिवर्सिटी लैवल पर असी देखिया है ना, तो यू एक खेड बनाया, तो ये की योगदान रहा, कि औखा औखा का थोनों सामना करना पड़ी, औंकड़ा थोनों आईया उस टाइम? असल च गत्तका पहला जिवें तुसीं दस्सिया कि सिर्फ नगर कीर्तना तक ही सीमित सी, लेकिन जदों यह गुरु साहब वालों जिहड़ियां होर बख्शियां हुई खेडां ने, चाहे वह रैसलिंग है, निशानेबाजी है, घोड़ सवारी है, तीरअंदाजी है, तो वह सारिया जिहड़ियां मानता प्राप्त बन चुकियां, सिर्फ उन्हां चों गतका रहिंदा सी। ते 10 साल पहला जदों यह असी गतका होले महल्ले ते देखिया, तो उत्थों पता नहीं गुरु साहब ने मन च यह कितें गल पाई कि इस नूं जरूर होना चाहिए, तो असी उत्थों आनंदपुर साहब तो जिहड़े साडे साबका जथेदार अज दुनिया ते नहीं रहे ज्ञानी तरलोचन सिंह जी, उन्हां कोले गल कीती, तो उन्होंने जो असी दस्या कि असी इस तरह एसोसीएशन बना के इहनूं गतके नूं प्रमोट करना चाहुंदे आ, एक मानता दिवाउणी चाहुंदे आ, तो फिर उत्थों मतलब जिहड़ा इहदा मुढ बन्निया गया, तो उन्होंने सानूं जिम्मेवारी सौंपी, तो असी उस जिम्मेवारी तो बाद फिर एसोसीएशन बना के गतके दी इहदे बाकायदा रूल बुक वगैरह बनाई, किस तरह खेडिया जाता है, किस तरह ग्राउंड किन्ना होना चाहिए, किन्नी ड्यूरेशन होनी चाहिए खेड की, किहड़े किहड़े फाउल होने चाहिए ने, उहदे ते काफ़ी मेहनत करनी पई, एक इहदा संविधान बनाउण लई, रूल बुक बनाउण लई, ते सारे फाउल उहदे च तैयार किए। तो असल च साडा मकसद सीगा कि गुरु साहब वल्लों जिहड़ा असल बख्शी हुई मार्शल आर्ट की खेड है वह उस दा उस तरह ही बुनियाद है जिहड़ी उमी रहे, तो उसनू उस तरह ही जिहड़ा खेडिया जाए, तो जिहड़ी गतके की सोटी है उहनू उस तरह ही वरत्या जाए जिस तरह एक कृपान नू लैके वह लड़िया जाता है। असी इहदे बुनियादी असूल बुनियादी जिहड़े फाइटिंग असूल जिहड़े रख्या दे असूल वह उवें इंटैक्ट रखते हुए इसनू यह खेड मैदान तक लिआंदा है। जिवें असी बाकी गेम्स विच देखते हैं कि उन्होंने आपकी सेफ्टी लई कुछ ना कुछ पहनिया हुंदा है ना, तो ये जदों असी उत्थे गेम खेडदे ने बच्चे ये जाके, तो उहदे विच वी की तुसी सेफ्टी लई उन्हां दे लई कुछ वरतदे हो? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि असी इस खेड नूं हुण पंजाब च मानता प्राप्त हो चुकी है, नैशनल लैवल ते इह स्कूलां कालजां यूनिवर्सिटियां दे विच खेड कैलेंडर च आ चुकी है, तो साडा इक अल्टीमेट एम है कि इसनूं ओलंपिक तक लैके जाण दा, तो जदों ओलंपिक तक लैके जाणा उत्थे खेडां दी सब तो पहलां जिहड़ी है उह सेफ्टी नूं इंपोर्टेंट रखा जाता है, तो असी भी अपने जिहड़े जिन्ने रूल बनाए आ उस दे विच इस दी सब तो वड्डी सेफ्टी दे उपर जोर दिता, वह सेफ्टी लई हैडगीयर है तो सो दैट कि वह उसनू फेस गार्ड वजों असी वरतदे हैगे आ, तो ईवन के चैसट गार्ड, ईवन के जिहड़े साडे इसदे बाहां दे हुंदे आ जां होर सारा असी पूरा इसनू इंटैक्ट किया। तो दूसरा गल यह भी रखिया कि असी जिहड़ा बंदा दुमाला बन के खेडे सो दैट के सिर च सट ना लगे जां इस तरह ना हो, मतलब सेफ्टी दे असी हर स्टैंडर्ड हर मेजर इस इनकलूड किए हुए हैं जी। ते सर इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट अकैडमी तुसी बनाई है ना, ते उदे विच विदेशां च की रुझान थानूं देखण नूं मिल रहा है इस गेम नूं लैके? असल जदों असी गतके नूं प्रमोट करन दा बीड़ा चुक्या तो उस वेले सीगा कि एक साडा गतका बतौर स्पोर्ट्स प्रमोट होवे, एक साडा जिहड़ा ट्रेडिशनल खेड है रवायती खेड है गतके दी वह बरकरार रहे, तो उहदे च असी दोनों तरीके नाल एक साडियां गतका एसोसीएशन ने, साडी नैशनल गतका एसोसीएशन ऑफ इंडिया है जिहड़ी इस नूं बतौर स्पोर्ट्स स्कूलां कालजां ते यूनिवर्सिटियां च प्रमोट करी आ, नाल दी नाल साडी बराबर ते जदों असी इस नूं रवायती गतके नूं जो बाणे दे विच खेडिया जांदा उहनूं प्रमोट करन दी गल सोची, तां फिर साडी इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट अकैडमी उह कम करदी है, इस करके असी इहनूं बतौर खेड ते बतौर ट्रेडिशनल खेड रवायती खेड प्रमोट कर रहे हैं जिहदे च बाणा पूरा हुंदा, दूजे पासे उह ट्रैक सूट ते स्कूलां कालजां दा हुंदा,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਹੋਣ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਸਟਿਊਮ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।